हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड का नया भर्ती जो कि यहाँ पर आई है आउटसोर्स कर्मियों के लिए। चलिए जानते हैं इन पदों के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें 28 पदों की भर्ती निकाली गई। उत्तराखंड में यहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत बागेश्वर के अंतर्गत जो विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त 11 पद और साथ में प्रधानमंत्री के 17 पद, टोटल मिला के 28 पदों की भर्ती निकाली गई है आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से। इसके लिए यहाँ पर जो है आप जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जो है पंजीकरण कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर जो है आपको प्लेसमेंट मिलेगा और बताया गया कि यहाँ पर जो सूचना प्रकाशन होने के 20 दिन के भीतर जो है आपका पंजीकरण कराना आवश्यक है, यानी कि आपको जो है 20 दिन का समय दिया गया है। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं यहाँ पर चतुर्थ कर्मचारी और जो मित्र हैं उसके लिए आप पंजीकरण करवा सकते हैं। और 20 दिन के अंतर्गत इसके लिए योग्यता रहने वाले 5वीं पास और उत्तराखंड का स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 18 से लेकर 60 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई होना चाहिए। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा कोविड महामारी की अवधि में जो है विभाग में कार्य किया है उनका चयन में वरीयता इनको प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है जिसको आप लोग जो है इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से बागेश्वर के द्वारा निकाले गए बागेश्वर में पद है। इसके लिए 5 नौकरी निकाले गए हैं और आप 20 दिन के अंदर जो है आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिलेगा इन पदों के लिए।